तो so भाई लोग कैसे हो लॉकडाउन एंजॉय कर रहे हो कि नहीं मैं अपनी तो हालत ख़राब ही है ब्लॉक करने मिल रहा नहीं है बाहर जाने मिल रहा नहीं है काफ़ी सारे प्लान्स थे कोकण के प्लान थे नाशिक के प्लान थे बट आ, सब ठीक है तो लॉकडाउन पीरियड के टाइम जब आ, जब लॉकडाउन में थोड़ा सा रिलीफ मिला था तो अमेज़ॉन थैंक्स टू टा अमेज़ॉन कुछ कुछ डिलीवरीज मिल रहे थे चालू कर दिया था इन्होंने सो आई गॉट माई सेल्फ वन प्लस बुलेट वायरलेस जी काफ़ी लंबा नाम है बट मैं बोलूँगा वायरलेस जी करके दिस इज़ द चिपर वर्जन ऑफ़ बुलेट वायरलेस टू के बारे में जो कि पिछले साल रिलीज हुआ था स्टिल यू कैन फाइंड इट ऑन अमेजॉन कुछ अराउंड फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड के आसपास है करके दिस आई गॉट अराउंड टू थाउजेंड रुपीज़ मतलब ये अभी भी नया नया मॉडल है कुछ ऐसा पुराना ऐसा नहीं है एंड येस लेट्स डू द अनबॉक्सिंग तो so, अनबॉक्सिंग में अब तक का सबसे बेस्ट अनबॉक्सिंग मुझे इसमें लगा मतलब जो पैकेजिंग वो लोग ने जो दिया है डैट इज़ वेरी नाइस पहले आ, उसके पह, फ्रंट सबसे पहले उन्होंने अपने बड़े फ़ीचर जो हाईलाइट किए हैं वो है कि दस मिनट में ये दस घंटा का आउटपुट देता है ट्वेंटी uh, आवर्स 20, 20 का उसका बैटरी लाइफ है मतलब पिछले वायरलेस टू में शायद से फोर्टीन आवर्स का था इसमें और चार घंटा दिया है सो विच इज़ वेरी नाइस मतलब ये लोग एंड बढ़ा रहे हैं एंड uh, अभी भी उसके पिक्चर देखेंगे तो uh, उसके दूसरे सारे फीचर्स है जैसे कि वेब चार्जिंग है मतलब वर्लप का कोई भी वैब चार्जर अब डाल दो एंड दस मिनट चार्ज करो तो दस घंटे आपको टाइम मिलेगा बैटरी लाइफ जो कि पहले बताया मैंने बीस घंटे का बैटरी लाइफ है मैग्नेटिक कंट्रोल है मतलब जब टर्न ऑफ़ और टर्न ऑफ़ के लिए हम लोग ने डेडिकेटेड बटन नहीं दिया है एक मैग्नेट्स दिया है दोनों के एयरबर्ड के पीछे मतलब आप जब वो कनेक्ट करोगे मैग्नेट के साथ दोनों एयरबर्ड को पीछे पीछे के साइड से सा अगर कनेक्ट करोगे तो वो ऑफ हो जाएगा और जैसे आप उसे निकालोगे तो ऑन हो जाएगा वाटरप्रूफ है मतलब स्वेट प्रूफ है वाटरप्रूफ जो जिम और रनिंग करने के लिए ठीक है एंड एक डेडिकेटेड बटन दिया है क्विक स्विच करने के लिए मतलब अभी आपने लैपटॉप uh, के साथ कनेक्ट किया हो या मोबाइल के साथ कनेक्ट है, तो एक बटन दबा के डबल क्लिक करके उसे स्विच स्विच uh, कर सकते हैं एंड दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर मी ये लो लेटेंसी मोड ये मोस्टली जब uh, पबजी के साथ पबजी खेलने के लिए यूज़ कर सकते हैं बट मैंने अब तक तो पबजी खेला नहीं है सो आई डोंट नो सो इट कॉस्ट अराउंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन नाइन ज़ीरो बट आई गॉट इट फॉर टू थाउजेंड रुपीज़ सो अगर आप इसे ओपन करेंगे तो आप ओपन करेंगे तो सामने आपको हेडफोन दिखेगा एंड उसके नीचे सारे पेपर वर्कस रहेंगे यूजर uh, गाइड के उसमें राइट uh, साइड right में इसके अंदर uh, जो चार्जिंग चार्जिंग केबल है छोटा सा चार्जिंग केबल है और एयरबड्स भी हैं उसके नीचे मॉडल स्मॉल मीडियम लार्ज एंड दूसरे साइड में ऑल द काइंड ऑफ पेपर वर्क अभी पेपर वर्क कौन कौन पढ़ता है कि नहीं मुझे पता नहीं बट अगर आप पढ़ते रहोगे तो कमेंट में करो बोलो तो अब तक का सबसे मुझे बेस्ट एक्सपीरियंस लगा इस पर मैंने इसके पहले काफ़ी सारे हेडफोन्स यूज़ किए थे पर पता नहीं जो क्वालिटी जो प्रीमियम मुझे इसमें मिल रहा था वैसे दूसरे में मिला नहीं यस अब इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी नॉर्मल जैसे कि हेडफो वायरलेस टू में था जैसा सेम है कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के डिज़ाइन में हाँ जो एयरबड्स इन्होंने दिए हैं वो इस बार प्लास्टिक के हैं ना कि मेटल के सो यस दिस डिस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसमें या अच्छा खासा बैंड दिया है जो कि आराम से इसे आराम से इसे पेन के आप रख सकते हैं एंड द क्लिक इन ऑफ मैंगनेट ना वो काफ़ी अच्छा है वो सब सैटिस्फाइंग hmm, है आई कैन डू दिस ऑल डे थोड़ बिल क्वालिटी इज़ एक्चुअली प्रीमियम आई एक्चुअली लाइक द बिल क्वालिटी मतलब अच्छा है ड्यूरेबल है लॉन्ग लास्टिंग है कैरी भी कर सकते हैं ईशू नहीं है वायरलेस uh, टू में उन्होंने पाउच भी दिया था साथ में सिलिकॉन पाउच देता है इसमें उन्होंने दिया नहीं उसमें कॉस्ट कटिंग किया है बट स्टिल इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस ना साउंड क्वालिटी ना साउंड क्वालिटी एवरीथिंग इज़ बैलेंस मीन्स द ट्रिबल जो हाई नोट्स है वो भी अच्छे हैं मिड टोन्स हैं वो भी अच्छे हैं आ, हाँ बेस थोड़ा सा ओके है मतलब जो बेस हेवी लवर्स है उनके लिए ये हेडफोन नहीं है हाँ वायरलेस टू से अच्छा है, इसका बेस मतलब वायरलेस टू में बेस काफ़ी ख़राब था पर उससे ये इम्प्रूव करके उन्होंने डाला है आ, सो वायरलेस टू से तो अच्छा ही है में उसमें मोस्टली जो बेसिक हेडफोन्स में रहते हैं सारे फीचर्स हैं वॉल्यूम अप और डाउन लेने का मॉडल के बीच में जो बटन है जिससे आप कॉल रिसीव कर सकते हो कॉल रिजेक्ट कर सकते हो डबल क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट में जाओगे एक बार क्लिक करेंगे तो पे पॉज वो सब सब है इसमें माइक का भी उस जब माइक का जो क्लियरिटी है जो मैंने जो फ़ोन दो तीन फ़ोन कॉल किए थे माइक के क्लियरिटी भी मुझे अच्छी लगी सो राइट नाउ वी विल चेक द क्विक ऑन ऑफ फीचर ऑफ़ दिस हेडफोन्स नाउ यू कैन सी कि ये एक्चुअली अभी कनेक्टेड है अभी सिक्सटी परसेंट उसका बैटरी है सो so मैं अभी इसे बंद कर देता हूँ सी ये जल्दी ये डिसकनेक्ट हो गया अब इसे वापस डाल लूँ ये कनेक्ट भी हो गया मतलब हाँ कुछ एक दो सेकंड लेता है मे बी वन प्लस के डिवाइसेस में ये थोड़ा जल्दी कनेक्ट होगा स्टिल इट इज़ ओके मतलब फाइन दिस इज नाइस मतलब आई लव दिस काइंड ऑफ फीचर्स नाउ एंड फिर बाद में अब इसमें कनेक्टेड है सो so, लेट्स सी द क्विक स्विच बटन ये मेरा कंपनी का लैपटॉप है ना इसका ब्लूटूथ भी मैंने ऑन किया है एंड ये दिस इज कनेक्ट दिस इज़ ऑल्सो नॉट कनेक्टेड मोबाइल से भी मेरा कनेक्टेड नहीं है सो लेट्स कनेक्ट दिस विथ द मोबाइल पहले तो ये अभी कनेक्ट हो गया फोकस 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 सो दिस इज नाउ कनेक्टेड अब अब मैं इसे दूसरे से कनेक्ट करता हूँ तो ये बटन है ना और दबाता हूँ मैं तो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया और इफ़ यू लुक नाउ इट इज कनेक्टेड टू माय लैपटॉप अभी वापस मैं इसे डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ से डिसकनेक्ट होके इट्स कनेक्टेड टू माई सेलफोन दिस इज द बेस्ट फीचर आई नोटिस अबाउट दिस हेडफोन सो द थिंग विच आई डट लाइक इन दिस हेडफोन्स इज दैट कि हम ये इट इज़ आई पे सिक्सटी फाइव रेटिंग रेटेड मतलब कि uh, ये डस्ट स्प्लैश प्रूफ है और थोड़ा का और थोड़ा बहुत डस्ट प्रूफ भी है बट जो चार्जिंग पोर्ट है उसमें जो सी टाइप चार्जिंग है uh, वो उन्होंने ओपन रखा है आई uh, गेस इसके ऊपर भी एक अगर ऐसा कैप आ जाता था ना तो ये काफ़ी सिक्योर होता था स्टिल uh, ये uh, अंदर के साइड में मतलब ये जब हम पहनते हो तो ये पीछे के साइड में रहता है सो इट इज़ मोस्टली नॉट एक्सपोज टू द इन्वायरमेंट अ फीडबैक फ्राम फ्राम अ यूज़र कि इसके ऊपर थोड़ा सा कवर ओवर होना चाहिए था जिससे ये और सिक्योर हो जाता करके सो मैं फाइनल वर्डिक वॉर शुड यू गो फॉर द वायरलेस जी अगर आप वन प्लस का मोबाइल यूज़ कर रहे हो वायरलेस तो टू लेना है और पर आपका इतना बजट नहीं है तो टू थाउजेंड रुपीज़ में ये अच्छा खासा रिप्लेसमेंट है एक्चुअली इट इज़ इम्प्रूव फ्रॉम द वायरलेस टू वायरलेस टू में वायरलेस टू में एक कॉल कॉम का चिप है जो इसमें नहीं है बट साउंड क्वालिटी मैंने टेस्ट की दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है उन्नीस बनीस का फर्क है जो बेस हेवी लवर है उनके लिए को ये फ़र्क पड़ेगा बेस जो नॉर्मल आप रोज़मर्रा की जिंदगी में जो मूवीज़ देखते हो यूट्यूब दे वीडियोज देखते हों तो मोबाइल पर वेब सीरीज़ देखते हो के लिए ये सबसे बेस्ट हेडफोन्स है आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी तुम चुम्हे बोन क्या बाय